गरीब कल्याणकारी योजनाओं में 55 से 60 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जो कार्य नहीं कर पाई, आपने देखा होगा कि कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनवा दिए, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास की सुविधा दे दी, 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन दे दिए। भाइयों बहनों, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन भी पहुंचा दिए, 12 करोड़ किसानों को, अन्नदाता किसानों को 6000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लगातार 4वें वर्ष भी मिल रहा है। और भाइयों बहनों, कोरोना काल खंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन, और ये राशन की सुविधा 3.5 वर्षों से तो है ही, अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा, ये मोदी जी ने पहले ही घोषणा कर दी है। भैया बहनों, कांग्रेस होती तो क्या कोरोना का वैक्सीन बन पाता क्या? कांग्रेस रहती तो क्या गरीबों को फ्री में ये सुविधा मिल पाती क्या वैक्सीन की? आज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कोरोना फैल रही है, अमेरिका में, चीन में, लेकिन भारत सुरक्षित है, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन दी है। भैया बहनों, एक तरफ आपकी सुरक्षा की व्यवस्था और दूसरी तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम भी। आपने देखा होगा जब हम राजस्थान के अंदर कहीं जाते हैं, कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त लाभ माफिया आज सत्ता का संरक्षण पाकर के राजस्थान में हावी होकर के यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ की बहन बेटियों के साथ, यहाँ के विकास में बैरियर बन करके राजस्थान की छवि को धूमन करने का प्रयास कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए इस माफिया के लिए ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बनाया है। बुलडोजर नवनिर्मित की सरकार की ताकत है कि वह इसका उपयोग हाईवे बनाने में भी, सड़क बनाने में भी करता है, और माफिया को भी जमीन में दफन करने के लिए इसका उपयोग कर लेता है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार विकास के लिए चाहिए, नौजवानों के रोजगार के लिए चाहिए, राजस्थान की समृद्धि के लिए चाहिए, और बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहिए। और इसीलिए आज मैं आया हूं, जब मैं सुनता हूं मुझे बड़ी पीड़ा होती है राजस्थान के अंदर इस बात को लेकर के रामनवमी में यहां दंगा हो गया। आप सोचिए, रामनवमी में सरकार बैन, जुलूस पे बैन करती है, यहां पर्व और त्योहारों को बैन करती है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, क्योंकि दंगाई और कर्फ्यू लगाने वाले जो तत्व थे उनके दूसरे लोग की यात्रा में उनको प्रस्थान कर दिया। और मैं यही कहने के लिए आज आया आपके पास, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार लाइए। आस्था के साथ खिलवाड़ कांग्रेस की जो प्रवृत्ति बन चुकी है, हम तो जब आपस में मिलते हैं भाइयों बहनों, आस्था का खिलवाड़ कांग्रेस की सत तक करती है, इसका उदाहरण है। हम मिलते हैं, राजस्थान में आते हैं, हमारा संबोधन होता है राम राम सा, यही होता है ना, यही होता है ना। भाइयों बहनों, जहां संबोधन में राम राम शब्द का उपयोग किया जाता हो, जहां जन्म लेने से लेकर के और जीवन की अंतिम यात्रा में राम का नाम साथ होता हो, वहां पर प्रभु राम के अस्तित्व पर एक कांग्रेस उंगली उठाने का काम करती है, कहती राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है राम और कृष्ण हुए ही नहीं, क्योंकि
इनको अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा लटकाना था, इसलिए कहते थे हुए ही नहीं। लेकिन हमें लटकाना नहीं था, हमें तो समस्या को सुलझाना था। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह? किसी प्रकार का संदेह? तो भाइयों बहनों, 22 जनवरी को, 22 जनवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलीला विराजमान होंगे, अपने स्वयं के मंदिर का दर्शन करेंगे। आप मुझे बताओ, सापुरा के कितने राम भक्त अयोध्या आने के इच्छुक हैं? वाह भाई, पूरा सापुरा आने का इच्छुक है। आपका अभिनंदन, अयोध्या में हम स्वागत करेंगे। मेरी आपसे अपील होगी भाइयों बहनों, मेरी आपसे अपील होगी श्री लाला राम बैरवा फेरिया को यहां से विधायक का चुनाव जिता करके जयपुर भेजिए, भेजेंगे ना। और मैं लाला राम बैरिया जी को बोलूंगा कि लाला राम जी, इनके नाम के साथ ही राम लगा है, देखा ना आपने, ये है भारत। या तो नाम के आगे राम होगा या नाम के पीछे राम होगा। तो मैं लाला राम जी से कहूंगा, चुनाव जीतने के बाद राम भक्तों की ट्रेन लेकर के अयोध्या पहुंचिए 22 जनवरी के बाद। सहमत है ना, सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लाने के लिए लाला राम बैरिया जी को भारी पवन से विजयी बनाने के लिए आपसे कर रहा हूं। सहमत है तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। पीछे जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग बांह बांध करके बैठे हैं, वे लोग भी दोनों हाथ लगा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत।